क्या आप जानते हैं कौवे का रंग काला क्यों होता है? एक बार की बात है, एक ऋषि ने एक कौवे को अमृत की तलाश में भेजा, लेकिन कौवे को ये चेतावनी भी दी कि केवल अमृत के बारे में पता करना है, उसे पीना नहीं है, अन्यथा तुम इसका कुफल भोगोगे। कौवे ने हामी भर दी और उसके बाद सफेद कौवे ने ऋषि से विदा ली। एक साल के कठोर परिश्रम के बाद कौवे को आखिर अमृत के बारे में पता चल गया। वह इसे पीने की लालसा रोक नहीं पाया और इसे पी लिया, जबकि ऋषि ने उसे कठोरता से उसे नहीं पीने के लिए पाबंद किया था। सो उसने ऐसा कर ऋषि को दिया अपना वचन तोड़ दिया। पीने के बाद उसे पछतावा हुआ और उसने वापस आकर ऋषि को पूरी बात बताई तो ऋषि ये सुनते ही आवेश में आ गए और कौवे को शाप दे दिया और कहा, क्योंकि तुमने अपनी अपवित्र चोंच से अमृत की पवित्रता को नष्ट किया है, इसलिए आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी और सारे पंछियों में केवल तुम होंगे जो सबसे नफरत भरी नजरों से देखे जाएंगे। किसी अशुभ पक्षी की तरह पूरी मानव जाति हमेशा तुम्हारी निंदा करेगी, और चूंकि अमृत का पान किया है इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी, कोई बीमारी भी नहीं होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। भाद्रपद के महीने के 16 दिन तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। तुम्हारी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होगी। इतना कहकर ऋषि ने अपने कमंडल के काले पानी में उसे डुबो दिया। काले रंग का बनकर कौवा उड़ गया। तभी से कौवा काले रंग के हो गए। हालांकि ये कहानियां लोक कथाओं के रूप में प्रचलित है, लेकिन फिर भी मैंने अक्सर कई लेखों और मान्यताओं में किसी एक के किए कर्मों की सजा उसकी पूरी जाति को भुगतनी पड़ी हो ऐसा देखा है। लेकिन मेरे विचार ये केवल काल्पनिक लेख ही होंगे, क्योंकि आधुनिक युग की परिभाषा में जन्हा लोग तर्क करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी धारणा का औंधा अनुकरण करने से पहले ये सब पहले के जमाने में लोगों को कुछ शिक्षाओं को उनके मानसिक स्तर पर समझाने का ये प्रयास ही रहा होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसे ही कहानी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।